नमस्कार, आप देख रहे हैं द एंगल। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। प्रदेश में कांग्रेसी नेता लंबे समय से राजनीतिक नियुक्तियों और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर इंतजार कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर इंतजार इस बात का भी है कि यदि पिछले साल घटा सियासी विवाद सुलझ जाता है तो ऐसे में सचिन पायलट की भविष्य में क्या भूमिका होगी। जानकारों का कहना है कि हेमाराम चौधरी के इस्तीफे और उसकी प्रतिक्रिया के रूप में पायलट खेमे की ओर से बयानबाजी के बाद प्रदेश के सियासी विवाद को जल्द से जल्द सुलझाना जरूरी हो गया है। लेकिन भविष्य में ऐसी स्थिति फिर से नहीं बने, इसके लिए आलाकमान की कोशिश है कि सचिन पायलट को प्रदेश की राजनीति से किसी तरह दूर रखा जा सके। चर्चा ये भी है कि यूपी और गुजरात में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, ऐसे में पार्टी सचिन पायलट को इन दोनों में से किसी एक राज्य का प्रभार सौंप सकती है। पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया यूपी प्रभारी की भूमिका निभा रहे थे, लेकिन अब ये पद खाली है। इसके अलावा यूपी का प्रभारी बनाए जाने के पीछे तर्क ये भी है कि पार्टी सिंधिया के जाने से खाली हुई सीट को सचिन पायलट के जरिए भरना चाहती है। वहीं यूपी में पायलट के स्वजातीय वोट भी काफी संख्या में है, इसका फायदा विधानसभा चुनाव में पार्टी को हो सकता है। वहीं गुजरात की बात की जाए तो युवा नेता राजीव सातव के असमय निधन से ये पद खाली है, ऐसे में यहाँ भी सचिन पायलट को प्रभारी बनाया जा सकता है। उधर कहा जा रहा है कि पायलट कैंप राजस्थान से बाहर जाने से इनकार कर रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में इसे लेकर टॉप लेवल पर मंथन चल रहा है। ऐसे में यदि सचिन पायलट को किसी भी राज्य का प्रभारी बनाया भी जाता है तो इससे पहले पायलट सियासी मुद्दे सुलझाने की शर्त रख सकते हैं। वहीं यूपी देश की राजनीति में खासी अहमियत रखता है, ऐसे में यदि सचिन पायलट के प्रभार से वहां पार्टी जीतती है तो ये पायलट के लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है।